हेलो गाइस, आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दैट वन पॉइंट डेज ऑफ स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर योर एस एफ एम पेपर एक्चुअली रिविजन कैसे करोगे कैसे कंडक्ट करोगे उस वन एंड एंड हाफ डे के अंदर में बिलीव मी इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी बिकॉज बहुत मुश्किल होती है ये सोचने में कौन सा बच्चे बच्चे ने क्या प्रिपेयर किया है किसका फॉरिक्स अच्छे से प्रिपेर है कौन सी टॉपिक कम है कौन से टॉपिक ज़्यादा है यू you नो know, किस को ज़्यादा समय देना चाहिए एक टॉपिक पे किसको कम समय देना चाहिए कभी होता है ना ऐसा कि चलो एग्ज़ाम वाले दिन थोड़ा और देख लेंगे एंड ऑल दैट आई डो नॉट नो ऑल दिस तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया कि मैं क्या करूँ यू नो काइंड ऑफ एंड बच्चों का बार बार रिक्वेस्ट भी आ रही थी तो मैंने एक प्रिपरेशन करी ये एज्यूम करके कि अगर मैं पेपर के लिए बैठती हूँ तो मैंने किस हिसाब से रिविजन का शेड्यूल फॉलो करा होता एंड देन उसके बाद ये जो शेड्यूल है मैंने कुछ बच्चों से बात भी करी बिलीव में बिकॉज इट इज़ डेंजरस ना समथिंग वेरी सेंसिटिव बिकॉज बच्चा पेपर लिखने जा रहा है और मैं रिकमेंड कर रही हूँ और बहुत सारे बच्चे अपनी बातों को मानते हैं आंख बंद करके कि मैम ने बोला है ना इसलिए मुझे ये करना है तो मुझे उनके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं करना है वो भी एग्जाम के एक दिन पहले जिससे उनको लॉस हो जाए आई आई होप यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट बट येट वी हैव कम आउट विद अ वेरी वेरी वर्कबल स्ट्रैटेजी एक्चुअली आई हैड अ वर्ड विथ फ्यू पीपल हु हैव स्कोर्ड रैक्स इन द से फाइनल एग्जाम वेरी गुड स्टूडेंट्स एंड सम पीपल हैव स्कोड वेरी गुड मार्क्स इन द पेपर उन्होंने क्या किया था उनसे बातें भी करी मैंने अपना भी बनाया एंड दे कम्प्लीटली एंडोर्स्ड विद दिस स्ट्रैटेजी कि बॉस मैम आपने बहुत अच्छा ये बनाया है आई थिंक दिस इज़ अ वर्कबल सिचुएशन ऐसे ही जाना चाहिए तो शेयर करती हूँ मैं तुम्हारे साथ में मैंने थोड़ा रिग्रेस है लेकिन आई एम श्योर एग्जाम के एक दिन पहले अपने पास चॉइस नहीं है ओके नाउ कमिंग टू द पॉइंट अगर देखोगे ना यहाँ पे तो तुम मैक्स टू मैक्स सिक्स थर्टी पी एम को एफ आर के पेपर के बाद घर आ जाओगे करेक्ट है वो रात स्ट्रेच करो अगर पॉसिबल हो सके तो स्ट्रेच करो बिकॉज उसके बाद एक रात और मिलेगी और पहले बड़े टॉपिक्स तुमको उड़ा डालने हैं, सो दैट कि तुमको अगले दिन पैनिक नहीं आना चाहिए ओके okay, तो मैंने क्या किया हमेशा बोलती भी आई हूँ कि फॉरेक्स एंड आई एफ एम सेवन टू ट्वेल्व पी एम डिनर इसके अंदर तुमको कर लेना है पढ़ते पढ़ते खाओ खाते खाते पढ़ो मुझे नहीं पता है वो चीज़ ओके तो पाँच घंटा फॉर फॉरिक्स एंड आई एफ एम इज़ वेरी वेरी गुड एनफ तुम्हारी स्पीड थोड़ी स्लो होगी बिकॉज यू आर टायर्ड बिकॉज ऑफ द एफ आर पेपर सो फाइव आवर्स ओनली इफ़ यू आर प्रिपेयर बिफोर तुमने अगर क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके रखे कि यही वाले क्वेश्चन मुझे तो करने लिख करके जो मुझसे बनते ही नहीं है अगर मैं ना लिखूँ तो तो वो क्वेश्चंस तुमको यहाँ पे करने बाकी क्वेश्चंस को फ्लिप करो कैसे पे कैलकुलेशन करो और आगे बढ़ जाओ आई एफ एम के लिए मैं तुमको ये बोलूँगी दैट अभी कर डालो आई एफ एम के सम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं तुम चाहोगे कि मैं लिख के उस दिन करूँ दैट मीज यू हैव लॉस्ट इट ओके okay, ये कर सकते हो कि अगर बहुत बड़ा सम है और उसके अंदर बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हैं तो एक या दो एडजस्टमेंट या एक दो शेड्यूल तुम लिख के उस दिन कर लेना बाकी तो तुमको कैलसी पे ही करना पड़ेगा तो सेवन टू ट्वेल्व में तुम्हारा फॉरेक्स और आई एफ खत्म हो जाना चाहिए रादर अगर तुम थोड़ा स्ट्रेच कर पाओ तो डेरिवेटिव से रिलेटेड जो फॉरन करेंसी वाले सम है लाइक हैजिंग ऑफ फॉरन करेंसी यूजिंग फ्यूचर्स क्योंकि फॉरेक्स चल रहा होता है ना तो सिनर्जी का इम्पैक्ट आएगा वो भी दो चार सम कर लो सो दैट की डेरिवेटिव अगले दिन के लिए किक स्टार्ट हो चुका होगा तुम्हारा ओके आई नो इट इज़ अ बिट रेगुरस ट्राई करना मैं तुमको यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ तो ये डन हो गया तुम्हारा फिर तुमको सो जाना है और किसी भी हालत में तुमको कम नहीं सोना, गिवन यू सिक्स एंड हाफ आवर्स ऑफ स्लीप विच इज़ वेरी वेरी गुड जस्ट बिफोर अ डे ऑफ पेपर एक्चुअली उसके बाद तुम उठोगे सिक्स थर्टी को और सेवन ओ क्लॉक से तुम डेरिवेटिव पे बैठ जाओगे क्योंकि तुमने किक स्टार्ट कर दिया है पिछले दिन में इट विल बी इजी फॉर यू जिटर्स नहीं आएंगे अरे डेरिवेटिव चालू करना एंड ऑल दैट शुरू कर दो, दो ही सम करो ज़्यादा मत करना शुरू कर दो थ्री आवर्स यू विल डू डेरीवेटिव ठीक है ना उसके बाद इसके बीच में तुमको ब्रेकफास्ट कर लेना है कहाँ करोगे वो तुम देखना इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट एंड वार तुम्हारे दो घंटे में खत्म हो जाने चाहिए इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट फॉर एक्जाम्पल एफ आर ए के सम्स हैं तुम ना भी करो सिर्फ देख के छोड़ोगे तो भी हो जाएंगे दे आर मैनेजेबल कैफ फ्लोर कॉलर के सम्स होंगे तुम्हारे और तुम्हारे स्वॉप के सम्स होंगे तो ऑब्वियसली स्वॉप के जितने सम्स में स्टैंडर्ड फॉर्मेट चलता है एक या दो सम मुश्किल से होगा जो लिख के करना पड़ेगा एक आधा कैफ फ्लोर का सम लिख के कर लेना एंड वी आर डन जहाँ तक वार की बात है तो दे हैव आस्क्ड ओनली टू टाइम्स प्रॉपरली नवंबर 20 एंड मई 23 के अंदर में और दोनों क्वेश्चन बहुत सिमिलर हैं तो क्लास में मैंने वैसे बहुत सारे सम्स कराए वार के अंदर में क्योंकि मुझे लगता है कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो वो भी वार भी अगर तुम पहले से करके रख लो तो मुझे नहीं लगता कि पेपर वाले दिन तुमको ढंग से रिवाइज करने की भी जरूरत है जस्ट फ्लिप ऑन द पेजेस एंड गो अहेड ओके तो ये तुम्हारा हो गया उसके बाद मुझे लगता है तुम थोड़े हैवी हो चुके हो दिमाग से तो लाइट चैप्टर ले लो म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड में गिन के तुमको पाँच क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं उससे ज़्यादा नहीं करना वो भी आधा कैल्सिपे और कॉम्प्लिकेटेड वाला पार्ट तुमको लिख के करना फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा डिविडेंड uh, इक्वलाइजेशन का फॉर एग्जांपल सम है वो थोड़ा लिखोगे तो अच्छा रहेगा बिकॉज

उठा लो तो दो घंटे में तुम्हारे बॉन्ड्स खत्म हो जाएंगे बॉन्ड्स में अगेन बॉन्ड रिफंडिंग का सम है देन ड्यूरेशन uh, का एक तीन चार बार कैलकुलेट करना है जो हैवी वाले पांच क्वेश्चन लाइक स्पॉट एंड फॉरवर्ड का है ये पांच सम यह पाँच में, कर, में करना है सॉरी उससे ज्यादा नहीं करना है बाकी पहले से करके कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड वो थोड़ी करेंगे उस टाइम पर अपन वो तुम सिर्फ रिवाइज करोगे देन पोर्टफोलियो थ्री टू सिक्स पी में तुम्हारा हो जाना चाहिए एंड दैट इज ओनली दिस इज विल बी द मोस्ट चैलेंजिंग स्टफ आई एम टेलिंग यू पोर्टफोलियो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होगा तीन घंटे में बिकॉज तुम लिखने बैठ जाओगे क्योंकि तुमको लगेगा मुझे नहीं आता है और जहाँ तुम लिखने बैठे तुम्हारी पूरी शाम पोर्टफोलियो में निकल जाएगी और फिर तुमको इतना रोना आएगा कि मेरा सब रह गया इसलिए बेहतर होगा अभी से तुम पोर्टफोलियो के दो दो तीन तीन सम डेली करो ताकि तुम टच में रहोगे उस दिन ये परेशानी नहीं आएगी ओके देन टी ब्रेक पहला ब्रेक मैंने दिया है ब्रेक कहने को टी का है नीचे जाओ एक वॉक करके आओ बिकॉज तुमने कल से कुछ भी तुम उठे भी नहीं हो अपनी पढ़ाई पर से नीचे से एक ब्रेक लेके आओ थोड़ा सा स्ट्रोल करके आओ या मेडिटेट करो कुछ करो उस एनवायरनमेंट से ब्रेक लो एक बार के लिए नीचे जा करके फ्रेश होकर के वापस पढ़ाई पे बैठो ओके और साथ में चाय भी पी लेनी है तुम्हें देन इक्विटी पर बैठना दो घंटे अगैन ओनली द कॉम्प्लिकेटेड सम्स लाइक तेलबेल लिमिटेड रहीम एंटरप्राइजेज एंड तुम्हारे बोनस के सम अकाउंटिंग बेस्ड जो सम्स हैं वो सारे वही तुमको करने हैं दस सम इक्विटी के उससे ज़्यादा नहीं वो दस सम कौन से होंगे वो तुम आइडेंटिफाई करोगे खुद के लिए एंड देन यू आर डन बाई एट फिफ्टीन ओके दो घंटे दिए मर्जर तुमको एक घंटे में ख़त्म कर लेना अगेन मर्जर्स कर रहे हो तो फाइव टू सिक्स सेवन सम्स और मर्जर के सारे स्टेप्स लिख के मत करना अगर कोई सबका भी करना भी है तुम्हें वो दस सम भी अगर करने हैं या पाँच सम करने सारे मत लिखना टाइम जाएगा बहुत ज़्यादा तो आधे स्टेप्स कैल्सी पे और दो चार स्टेप यू फील दैट यू डू नॉट आर कंफर्टेबल तो वो तुम लिख के कर लेना एंड इट शुड बी डन देन डिनर करोगे नाइन फिफ्टीन टू नाइन थर्टी अगैन फैमिली के साथ बैठो बातें करो रिलैक्स करो अज्यूम करो कि मेरा पोस्टर प्रैक्टिकल का खत्म हो गया लेकिन तुम्हें सोना नहीं है तुम्हें नाइन थर्टी टू ट्वेल्व थर्टी में थियोरी करके सोना है दस चैप्टर अगर है कम से कम तीन घंटे में तुम तीन से चार चैप्टर आराम से उठा सकते हो और वो वाले चैप्टर्स उठाना जो तुम्हें नहीं आते हैं बिलीव बच्चे यूजुअली हम हमारी क्या आदत होती है जो हल्का वाला काम होता है ना ईजी वाले काम हम जल्दी उठाते हैं हैवी वाला काम पहले उठाओ ओके तो ये हो गया और थियोरी पढ़ के सो अगले दिन फिर तुम्हें सो जाना है और तुम्हें कितनी देर सोने हैं वापस तुम्हें छः घंटे के सोने के मैंने टाइम दिया है पूरा अब कितने लोग इस पर कितना कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे मुझे नहीं पता है और वापस सुबह सात बजे से ले करके सिक्स थर्टी को तुम तो उठ जाओगे मॉर्निंग में बारह बजे तक तुम्हें सिर्फ क्या करना है पता है थियोरी करना और कुछ भी नहीं करना और कोई समय ऐसा कुछ याद आ गया कि यार मेरा ये ठीक से नहीं हुआ तो देख लेना लेकिन थियरी पे कॉन्सन्ट्रेट करो बिकॉज थियोरी विल बी द गेम एक्चुअली थियोरी विल बी द गेम विनिंग गेम जिसको बोलते हैं इग्नोर नहीं करना आई थिंक वी हैव गिवन अनाफ टाइम टू थियरी ऑल्सो मैंने एक मैराथन भी डाल रखा है फिफ्टी परसेंट चैप्टर्स का तुम वो भी देख सकते हो अगर चाहो तो पहले दिन देखना नेक्स्ट डे मत देखना नेक्स्ट डे कोई भी तरह का मोबाइल का यूसेज सोशल मीडिया का यूसेज या कोई और तरह के यूट्यूब लेक्चर्स मुझे लगता है तुमको नहीं देखना चाहिए बिकॉज सी हम उस वीडियो तक नहीं रहते हम दूसरी वीडियो में भी चले जाते सजेस्टेड वीडियोज़ में और फिर वहाँ से तुम्हारी परेशानी शुरू हो जाएगी डोंट टॉक टू पीपल तुम्हारा कितना हुआ मेरा कितना हुआ एंड ऑल ज़रूरत नहीं है तुमको वो करने की जो तुम्हारा हुआ तुम अपना बेस्ट दे के आओ फिर देखा जाएगा ओके okay? और उसके बाद यू हैव टू गेट रेडी फॉर योर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज एंड आई गाइज विश ऑल ऑफ यू ओके ऑल ऑफ ईच वन ऑफ यू अ वेरी बेस्ट फॉर द पेपर गिव योर बेस्ट शॉट इन द पेपर लेकिन दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ सो हम मेहनत कर सकते हैं और फल की इच्छा नहीं करेंगे आई नो इट साउंड्स वेरी आइडियलिस्टिक तुम्हारी एज में मैं भी ऐसे सोचती थी लेकिन आज इस एज पे आकर के मुझे ये लगता है कि एक्चुअली हम बहुत चीज़ें कंट्रोल कर ही नहीं सकते हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं हम मेहनत कर सकते हैं उसके अलावा कुछ भी नहीं तो तुमको निराश नहीं होना है और तुम्हें उदास नहीं होना है अपनी बेस्ट फाइट लड़ो अपना लास्ट मोमेंट तक अपनी बेस्ट फाइट लड़ो और वो जो बोलते हैं ना इतनी सी जो चीज़ रह जाएगी क्या होता है गड्ढा खोद रहे हो थक जाते हो लग रहा है दिख ही नहीं रहा यार कहाँ पे लाइट दिख ही नहीं रहा टनल को तुम खोद रहे हो तुम्हें पता ही नहीं है बट क्या होता है कि पूरी टनल खुद गई है दैट वन की वजह से तुम लौट आते हो लौटना नहीं लौटना नहीं हारना नहीं जीतना है तुम्हें अगर तुम अपना बेस्ट शॉट देते हो ना तो भी उसको जीतना बोलते हैं बिकॉज तुमने अपनी ज़िंदगी का बेस्ट शॉट दिया उसके बाद चीज़ें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं छोड़ दो आगे बढ़ते हैं ओके सो ऑल द बेस्ट ओके बी स्ट्रांग बी वेरी वेरी स्ट्रांग यू विल वन ओके इट इज़ इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट बट या मायूस नहीं होना है डीमोटिवेट नहीं होना है नेगेटिव लोगों के साथ बातें नहीं करनी है बी पॉजिटिव एंड कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तुम्हें जस्ट टॉक टू मी व्हाट्सएप मी कमेंट करो यूट्यूब पे कि मैं मुझे ये दिक्कत है जितना मुझसे हो पाएगा मैं हेल्प करूँगी तुमको ओके अब ये मैंने जो चेहरा है ना ये थोड़ा मैंने उदास वाला जानबूझ के बनाया था और इसको अब मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही स्माइलिंग फेस ओके Thank you, bye-bye.